सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल राइड विद मयूर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली हम यहाँ पर बात करने वाले दोस्तों, अगर आप एक कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो जो आपको विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर जो लेनी है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो एक कम्प्लीट एम्पेयर की तरफ से रियो इलाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर जो लीक हुई है, एंड ये जल्दी आपको आपके सिटीज़ पर अवेलेबल होने वाली है। फिलहाल आपको यहाँ पर जो बैंगलोर में अवेलेबल होने वाली है, एंड इसके जो यहाँ पर जो पर बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सारा इन्फॉर्मेशन एंड आपको यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे अपडेट वगैरह आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस गाड़ी के बुकिंग के बारे में। दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2000 रुपये आपको यहाँ पर जो बुकिंग करने के लिए आपको देने पड़ेगी, साथ आपको यहाँ पर जो हेलमेट मिलने वाला अगर आप यहाँ पर जो गाड़ी बुक करते हो। अदर तो आपको यहाँ पर जो अभी बुक करने पर आपको यहाँ पर जो है एक हेलमेट फ्री मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में आपको यहाँ पर इस गाड़ी को बुक कर सकते हो। ये आप सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंगलोर में अवेलेबल है, एंड दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑल इंडिया में आपको यहाँ पर जो अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है कि एम्पेयर की तरफ से काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्चिंग हो चुके हैं, एंड काफ़ी यहाँ पर जो अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर जो मेरा सजेशन, अगर आपको यहाँ पर जो है लेना है तो आप इसको ले सकते हो। आपको यहाँ पर जो 4 कलर में अवेलेबल होने वाला है, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर एंड रेड कलर एंड नीला कलर में आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है, 4 कलर में अवेलेबल होने वाला है। एंड फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो फीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स मेरे को लगे, जो आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको ये फीचर्स अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस की कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना तो मेरा सजेशन है आप ले सकते हो। फीचर्स की बात करें तो एम्पेयर रिवो ई लाइट में आपको काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हो, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। जहाँ दोस्तों बूट स्पेस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतना अच्छा बूट स्पेस नहीं होता, बट आपको इस गाड़ी में बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एंड इसकी स्पीड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्पीड 25 किलोमीटर पर तक का टॉप स्पीड दिया है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ड्राइविंग लाइसेंस रेगुलर होगी तो आपको यहाँ पर जो स्पीड ज़्यादा होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस रेगुलर हो जाएगी, तो इसके लिए इन्होंने बताया 25 किलोमीटर पर तक का टॉप स्पीड। बट आपको यहाँ पर जो आराम से 31 तक आपको यहाँ पर जो टॉप स्पीड देने वाली है। उसके साथ आपको यहाँ पर जो बात करें बैटरीज की दोस्तों, क्योंकि बैटरी भी बहुत ही मायने रखता है कि अगर आप कोई भी लीड स्कूटर लेते हो तो उसमें बैटरी कौन सी है वो भी देखना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो लीड एसिड की बैटरी आपके यहाँ पर जो अवेलेबल होने वाली है, एंड लिथियम की बैटरी आपको जल्दी जो है मिलने वाला है इस वेरियंट में। तो यहाँ पर आपको 48 वोल्टेज का बैटरी पैक मिलने वाला है, जो आपको यहाँ पर जो चार्जिंग करने में आपको 7 या 8 घंटे फुल होने मिले लगते हैं। एंड रेंज की बात करें दोस्तों, तो रेंज आपको यहाँ पर जो 60 किलोमीटर का रेंज आपको 1 चार्ज में मिलने वाला है। एंड इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। मोटर की बात करें तो मोटर आपको 250 वाट का मोटर मिलने वाला है, ज़्यादा पावर नहीं लेता, बट आपको यहाँ पर जो आराम से अगर आपके आपके डेली लाइफ के लिए लेना है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। उसके साथ आपको यहाँ पर जो LED लाइट्स मिलने वाला है, LED लाइट डिस्प्ले मिलने वाला, कंफर्टेबल लेग रूम आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। बूट स्पेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आपको आराम से एक हेलमेट भी आप इस बूट में रख सकते हो। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर जो लुक भी काफ़ी अच्छा इस गाड़ी का दिया गया है, अलॉय व्हील्स रिम आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड टॉप स्पीड भी आप अगर आपको यहाँ पर जो ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ अवेलेबल होने वाला है, एंड बहुत ही अच्छा है मेरे को इस गाड़ी का लुक भी लगा, इसलिए मैंने इस गाड़ी को यहाँ पर जो रिव्यू किया है। अगर आप इसको बाय करना है तो अभी आप इसको बुक कर सकते हो, जो आपको फिलहाल भी आप बैंगलोर में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप डीलरशिप डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो आपकी सिटी पर वगैरह कहाँ पर ये अवेलेबल होने वाला है। तो अदर से आपको यहाँ पर बात करें तो ये लीड एसिड में अवेलेबल है, जल्दी आपको इसमें लिथियम का भी आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट वेरियंट वगैरह भी अपडेट आ जाएगा। एंड प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो इन्होंने प्राइसिंग नहीं बताई है, सिंपली यहाँ पर जो बता दिया है कि 2000 रुपये में आपको यहाँ पर जो इसको में आप जो है बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करने के साथ आपको यहाँ पर जो है एक हेलमेट दिया जाएगा, उसके साथ ये बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है आज के बाद। लगभग आपको यहाँ पर जो बुकिंग करना है तो आप डीलरशिप पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, UKN की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसका प्राइस अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, बट अप्रॉक्स आपको 50,000 के आसपास का जो प्राइस होने वाला है, बट हम इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो कि इन्होंने कुछ अपडेट नहीं बताया। यहाँ पर हम इस प्राइस को डिक्लेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्राइस भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, बट अप्रॉक्स इसका प्राइस जो 50,000 के आसपास होने वाला है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रेगुलर नहीं है एंड मीडियम स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दोस्तों मेरे को यहाँ पर अच्छी बात लगी एम्पेयर की तरफ से सर्विस, तो यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर जो इसका जो लिथियम वेरियंट भी जल्दी निकालने वाला है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है लिथियम
लिथियम-आयन वाले वेरिएंट भी, क्योंकि लिथियम-आयन वेरिएंट में काफ़ी सारे कस्टमर का यहाँ पर जो भरोसा होता है कि लिथियम-आयन बैटरीज भी काफ़ी अच्छी होती है। सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर जो पूरी तरह से कम्प्लीटली पता चल गया होगा कि एम्पेयर की तरफ से रियो एलाइट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होने वाले हैं। एंड दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी आपको हमारे इंडिया में अवेलेबल होने वाला है, बहुत सारी सिटीज़ पर अवेलेबल होने वाला है। एम्पेयर की तरफ से सर्विस भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।